मालदीव पोर्ट से सभी शिप सुरक्षित इलाके में भेजे गए, तूफान के असर से बचने की कोशिश। मालदीव में एनडीआरएफ की टीम एपीपी किट में दिखी, तूफान से बचाव के जोरदार इंतजाम। दीघा में समुद्र में उठ रही है तेज लहरें, सैलानियों को बीच से हटाया गया। निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को हटाया गया, दीघा में 4 बड़े साइक्लोन सेंटर बनाए, 12 छोटे सेंटर भी बने। भुवनेश्वर में रेड क्रॉस भी राहत के इंतजाम में जुटी, बन रहे हैं खाने के पैकेट। ईस्ट मिदनापुर में बदला मौसम, हल्की बारिश शुरू, आज है बड़ा खतरा। भुवनेश्वर में भी यास तूफान दिखाने लगा असर, शहर में भारी बारिश। ओडिशा के शहरों में यास तूफान का असर, कुछ जगह 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। कोलकाता में रेलवे ने किए डब्बों को बचाने के इंतजाम, मोटी जंजीरों से बांधे कोच। बालासोर में बचाव और राहत के पूरे इंतजाम ग्राउंड जीरो पर मौजूद आज तक। सीएम ममता के मुताबिक जरूरत पड़ने पर 10 लाख लोगों को किया जा सकता है रेस्क्यू, बनाए गए 4000 रिलीफ सेंटर। पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंची नौसेना की टीम, 2 राहत टीमें भी साथ, तटीय इलाके में तूफान से निपटने की तैयारी है। दीघा में एनडीआरएफ टीमों ने उठाए एहतियाती कदम, दत्तापुर गांव के लोगों को कराया विस्थापित। दाऊदी तूफान से बचाव का वीडियो आया सामने, कोस्ट गार्ड ने जान पर खेलकर बचाई थी 22 जान। दाऊदी तूफान का दिखाया एक डरावना वीडियो, बोट डूबने से पहले की यह तस्वीर, आखिरी तस्वीर एक कर्मचारी ने अपने दोस्त को भेजी थी। देश में 1.25 महीने बाद नए केस 2 लाख के नीचे, एक दिन में 1,96,427 नए केस। मौत की तादाद भी कुछ कम, 3511 मौत दर, सबसे ज्यादा 592 महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी मौत का आंकड़ा 500 के पार, तमिलनाडु महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए केस। एक दिन में 20 लाख लोगों की जांच, 24 लाख को दी गई वैक्सीन। देश में कोरोना के एक्टिव केस 26 लाख से नीचे, एक्टिव केस का पीक था 37 लाख। वैक्सीन को लेकर जारी है तकरार, दिल्ली में संकट, केजरीवाल सरकार ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली को नहीं मिल रहा है वैक्सीन, बंद हो गए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की दिक्कत, रुक गया वैक्सीनेशन। राजस्थान में भी वैक्सीन की किल्लत, जयपुर में टीका केंद्र पर लोगों का बवाल। पंजाब में भी वैक्सीन की किल्लत, राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज की जरूरत। कुवैत ने भी भेजे भारत को मेडिकल साजो सामान, आईएनएस शार्दुल से पहुंची खेप। रूस ने भारत को भेजी दवाएं और मेडिकल उपकरण, खेप लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। कोरोना इलाज के इंतजामों का जायजा लेने के लिए सीएम यूपी आगे सक्रिय, रोज कई जिलों के कर रहे हैं दौरे, 70 जिलों का कर चुके हैं दौरा। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने पर वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी वार्ता, वॉशिंगटन डीसी में होगी बैठक। भोपाल में लॉकडाउन से रोज कमाने वालों को दिक्कत, रोजी रोटी पर आया संकट। बेंगलुरु में महिला को इलाज नहीं मिलने पर परिजनों का स्टाफ पर हमला, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में गफलत का अजीब मामला, पुलिस ने जिंदा शख्स को बताया मृत, किसी और का शव सौंपकर परिवार से करा दिया अंतिम संस्कार। बिहार में कोरोना से मौतों की तादाद बढ़ी, गया के बुनकर नहीं पूरी कर पा रहे हैं कफन की मांग। बूंदी के गांव ममी में कोरोना का कहर, 170 गांव वाले कोरोना पॉजिटिव, 5 बच्चे भी बीमार। राजकोट में कोचिंग सेंटर पर छापा, बिना मास्क पहने मिले 555 स्टूडेंट, मालिक गिरफ्तार, छोटी जगह पर एक साथ बैठे मिले सैकड़ों छात्र। भरतपुर में सरकारी डॉक्टर ने सांसद से कहा, सरकार ने कहा है टेस्टिंग कम करो ताकि केस कम आए, डॉक्टर का दावा मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया। हुगली में पुलिस ने कोरोना पर जागरूकता की छेड़ी मुहिम, लाठी छोड़ पेंट और ब्रश थामे चौराहे पर, बनाया जागरूकता से जुड़े चित्र। यास तूफान को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की प्रभावितों की मदद की अपील। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन जारी, अक्षरधाम से लेकर आईटीओ और नॉर्थ ब्लॉक तक पसरा सन्नाटा।
रतलाम में कोरोना जांच को लेकर फीवर क्लिनिक पर जमकर बरपा हंगामा, जांच के लिए ई पास मांगने का हुआ विरोध। बीजेपी नेता सीमा टोंक भी पहुंची क्लिनिक। बिना ई पास आए लोगों पर कार्रवाई को लेकर कर रहे थे क्लिनिक से जुड़े लोग, सीमा टोंक खुद की गिरफ्तारी देने पर अड़ी। देर तक हंगामे के बाद डीएम ने करीब 150 लोगों की फौरन कराई जांच। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर समस्तीपुर सतर्क, सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया गया पीको वार्ड। पीको वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ 20 बेड और 2 वेंटिलेटर का होगा इंतजाम। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद फंड से मुहैया कराए 67 लाख रुपए। पुणे के एक छात्र ने पीपी किट में उमस से बचने का खोजा तरीका, वेंटिलेशन के लिए रखा गया ध्यान छोटे फैन का इस्तेमाल। मिर्जापुर में कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया सीएम योगी ने, ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। जयपुर पुलिस पर बेरहमी का संगीन इल्जाम, अस्पताल से लौट रहे दिल के मरीज को पीटा, बेटे ने सोशल मीडिया पर बयान दर्ज किया। मोतिहारी में वैक्सीन सेंटर पर 2 युवकों का बवाल, कुछ वैक्सीन तोड़ी स्टाफ के साथ मारपीट। अलीगढ़ में वैक्सीन नहीं लगने पर महिला का हंगामा, पुलिस ने मौके पर संभाला हालात। रायबरेली में कोरोना इलाज के नाम पर मनमानी पैसे वसूलने पर एक्शन, अस्पताल को किया गया सील। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट कोरोना वाले बयान पर विवाद जारी, सिवनी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने फूंका पुतला। कोरोना के कहर में परंपरा का निर्वाह करने से भी कांपे लोग, कानपुर में अस्थि कलश बैंक में अस्थियों को लगा अंबार, अस्थियां ले जाने से बच रहे परिजन। मुंगेर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार यादव गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद जांच में कोरोना पीड़ित पाए गए प्रमोद यादव। पुलिस ने प्रमोद यादव को प्रदर्शन के दौरान एक पुराने मामले में किया था गिरफ्तार, अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गिरफ्तारी में शामिल पुलिसकर्मियों का कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। रक्सौल में कई गांवों में अंधविश्वास की वजह से वैक्सीन लगवाने से बच रहे लोग, मुफ्त राशन योजना से भी किया किनारा, कहा मुफ्त राशन लेने जाने पर जबरन लगा दी जाएगी वैक्सीन। कानपुर के हालत हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती, ऑपरेशन के बाद 4 मरीज पूरी तरह स्वस्थ। रायसेन में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, एक की मौत, एक इलाज के बाद हुआ स्वस्थ। रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए, दोनों को इलाज के लिए हाई सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र के बारामती में ब्लैक फंगस के 17 मरीज अस्पतालों में भर्ती, इलाज में कारगर इंजेक्शन की कमी। इटावा में एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि, सैफई मेडिकल कॉलेज ने लखनऊ किया रेफर, दूसरे की जांच रिपोर्ट का इंतजार। तीसरी लहर के खतरों की आशंका के बीच राहत वाली खबर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं। तीसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितने ही खतरे की आशंका, डॉक्टर गुलेरिया बोले नहीं है डरने की जरूरत। वायरस तो वही है, इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में टेस्ट ज्यादा होंगे, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। एम्स के डॉक्टर ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती, कहा अस्पतालों में बनाने पड़े हैं अलग से वार्ड। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने की वजह से बदला रंग। सीबीआई का नया बॉस चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 3 नामों का बना पैनल। वो जायसवाल, के आर चंद्रा और वीकेएस कौमुदी के नाम शामिल, इन्हीं में से किसी एक की होगी तैनाती। अजमेर में नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 तस्कर गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर के मालिक की भूमिका शक के घेरे में। एंटीगुआ में डायमंड कारोबारी मेहुल चौकसी लापता, वकील ने दी जानकारी, मेहुल पर भारत में धोखाधड़ी के आरोप, क्यूबा भागने का शक। शनिवार की शाम आखिरी बार देखा गया चौकसी, पुलिस ने लोगों से की चौकसी के बारे में जानकारी देने की गुजारिश। टोलकिट मामले में ट्विटर को नोटिस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने छापेमारी से किया इनकार, कहा टीम नोटिस देने गई थी ट्विटर ऑफिस। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब से संतुष्ट नहीं दिल्ली पुलिस, कहा नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति का पता लगाने ट्विटर दफ्तर पहुंची थी टीम। ट्विटर इंडिया ने कहा टूलकिट केस में कंटेंट के लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं, जवाब से संतुष्ट नहीं पुलिस। संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर लगाया था आरोप, कांग्रेस टूल किट के जरिए पीएम मोदी पर साध रही निशाना।
विस्मय को ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगाया था। पुलिस ने पूछा कि किन तथ्यों के आधार पर लगाया मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल। पर व्हाट्सएप ने भेजा जवाब, कहा पॉलिसी में नहीं करेंगे कोई भी बदलाव पर देते रहेंगे नई पॉलिसी का रिमाइंडर। टूलकिट विवाद के बीच देश में सोशल मीडिया को केंद्र सरकार की ओर से दी गई 3 माह की समय सीमा आज खत्म, अब भारतीय नियमों के मुताबिक चलना होगा। फरवरी में आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए जारी की थी गाइडलाइंस, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पालन के लिए दिया गया था 3 महीने का वक्त। ट्विटर फेसबुक के भारत में है 50 लाख से भी ज्यादा यूजर, सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों की सुनवाई के लिए भारत में नियुक्त करने होंगे 3 ऑफिसर। सोशल मीडिया कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायत 24 घंटे में सुननी होगी और 15 दिनों में करनी होगी पुख्ता कार्रवाई। केंद्र सरकार के 7 साल होने पर काला दिन मनाएंगे किसान, नवजोत सिद्धू के घर पर भी लगाए गए काले झंडे। अमृतसर में किसान 26 मई को काला दिवस मनाने पर अड़े, महिलाएं बना रही हैं प्रदर्शन के लिए काले झंडे। दीप सिद्धू ने कुरुक्षेत्र के गांव में किसानों के साथ की बैठक, बोले किसान आंदोलन के साथ खड़ा रहूंगा। अलीगढ़ में किसानों पर दोहरी मुसीबत, टिड्डियों के फसल पर हमले की खबर से डरे किसान। हिसार में किसान संगठनों पर तिरंगे के अपमान का आरोप, बीमारी से मरे किसान के शव को तिरंगे से लपेटा, तिरंगे के ऊपर रखा किसान यूनियन का झंडा। रोहतक में स्टेडियम में अंकुश वैश्य नाम के युवक की हत्या, 2 बाइक सवार अपराधियों ने दागी 8 गोलियां, मौके पर युवक की मौत। पहलवान था अंकुश वैश्य, स्टेडियम में एक्सरसाइज के वक्त बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, हुए फरार, हत्या की वजह तलाश रही पुलिस। जोधपुर में एक शख्स ने पत्नी से झगड़े के दौरान अपने 6 महीने के बेटे की हत्या की, शराब के नशे में होने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में पकड़ी गई करोड़ों की चरस पर पुलिस का खुलासा, मुंबई के बाहर से लाई गई थी चरस, जल्द कुछ गिरफ्तारियों के साथ बताया जाएगा जगह का नाम। अकोला में पैसे के लेन देन में भिड़े 2 गुट, 5 लोग घायल, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार।